हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हेल्दी स्नैक्स के दो बहुत ही अच्छे से ऑप्शन। ये 5 मिनट रेसिपी है, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। इसमें कुकिंग वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ये कोकोनट बॉल्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये ड्राई कोकोनट। ये ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि नारियल का बुरादा, और साथ में मैंने डाला है इसमें ये मुरमुरा यानी कि पफ्ड राइस। ये दोनों ही चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है। 1 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है और 1 कप इसमें डाला है मुरमुरा, और उसके साथ मैंने डाला है ये 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। और इन सबको अब हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इस तरीके से एक फाइन पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के पहले तवे पर या माइक्रोवेव में थोड़ी देर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि ग्राइंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा बटर। आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं और अच्छे फ्लेवर के लिए। और साथ में डाला है मैंने इसमें ये हनी। यहाँ पर मैंने ये सेट हनी लिया है। आप चाहें तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का लिक्विड हनी भी ले सकते हैं, या इस तरीके का सेट हनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हनी जो भी लें, अच्छी क्वालिटी का लें, ऑर्गेनिक लें। और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक हनी इस तरीके से ठंड में सेट हो जाते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। बाय चांस इसमें अगर आपको लगे कि हनी कम है तो आप हनी और डाल सकते हैं। और बटर डालने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोकोनट में अपना भी काफ़ी ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके मैं इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। और इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। हनी की जो क्वांटिटी है वो भी आप पे डिपेंड करती है। कम मीठा खाते हैं आप तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हनी 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। सो बेसिकली ये जो स्नैक है ये 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। आप बड़ों को भी दे सकते हैं। विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा स्नैक्स है। जब भी छोटी मोटी भूख लग रही हो आप खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और अगर आपको इसको लंबे टाइम तक रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कोकोनट ऑयल या फिर घी से बनाइए, फिर इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 1 मंथ तक रहती है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये जैगरी बॉल्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप चना लिया है। ये बिना छिलके वाला रोस्टेड चना है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। और साथ में मैंने लिया है ये जैगरी। तो यहाँ पर मैं ये ग्राइंडर में डाल रही हूँ चना, और इसके साथ मैंने डाला है ये जैगरी। जैगरी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ताकि ग्राइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में मैंने डाला है ये ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। और अब इन सारी चीज़ों को आपको पीस करके अच्छे से बारीक पाउडर बना लेना है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी है, मैंने चना लिया है 70% और 30% इसमें गुड़ डाला है। गुड़ अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये घी। ये थोड़ा सा जमा हुआ घी है, बिल्कुल लिक्विड घी आपको नहीं लेना है, क्योंकि उससे फिर जब आप ये बॉल्स बनाएंगे तो फिर ये बनेगी नहीं। विंटर्स में जो रूम टेम्परेचर में जमा हुआ घी होता है वो इसके लिए परफेक्ट है, वही आपको लेना है। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और घी इसमें उतना ही मिलाना है जितनी ज़रूरत हो। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है। एक साथ बहुत सारा घी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, आपके हाथों की जो हीट होती है उसकी वजह से ये जो घी है ये मेल्ट होगा, और ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिक्सचर मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो एक छोटा सा लड्डू मैं इसमें से बना रही हूँ। बाई चांस अगर आपका नहीं बनता है तो आप इसमें थोड़ा घी और मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लड्डू रेडी कर लिया है। चना और गुड़ खाने का ठंड में इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं है। आप इसको मॉर्निंग में दूध के साथ सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक्स खा सकते हैं। कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। चना गुड़ कफ एंड कोल्ड में बहुत फ़ायदा करता है। बाई चांस अगर आपको या बच्चों को कफ एंड कोल्ड हुआ हो तो एक ये लड्डू आपको रात को खाना है, और ऊपर से पानी नहीं पीना है। सुबह तक आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और जैगरी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और ठंड में गुड़ बहुत ही फ़ायदा करता है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करिए। इसी तरह चैनल को देखते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।